गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून नालायक, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। यस यस यस, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? क्या सब बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं? गुड आफ्टरनून अमन, गुड आफ्टरनून अवनी, हर्षिका, हर्षल, गुड आफ्टरनून कौस्तुभ, तन्वी, श्रावणी, पुरुषोत्तम, साक्षी, एवरीवन, साक्षी, रीति, आरुषि, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सबको गुड आफ्टरनून। चले शुरू करते हैं। यस यस हर्षिका, एकदम कल के क्वेश्चन के ऊपर एक्साइटेड हर्षिका। यस, तो आप सबको, आई होप सबको मेरी आवाज आ रही है। चलिए तो लेट अस स्टार्ट विद द डे टू ऑफ द कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सीएमए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के डे टू में आप सबका बड़ा स्वागत है। डे टू में आप सबका स्वागत है। यस ओके बच्चा लोग, तो हम सीएमए का हम लोग पार्ट ए डिस्कस करें। सीएमए का हम पार्ट ए डिस्कस करें। डोंट वरी, अगर कोई बच्चा कल नहीं था, डोंट वरी बच्चों, कल बस मैंने सिलेबस का इंट्रो दिया था और बेसिक मैंने बताया था। अगर कोई बच्चा कल नहीं भी होगा तो भी कोई तकलीफ की बात नहीं, आज का सेशन एकदम अच्छा समझेगा। थैंक यू नमन मेरे भाई, थैंक यू। यस हर्षिता, हर्षिता बेटा, हर्षिता, इफ देर इज एनी इशू रिगार्डिंग फीस एंड एनीथिंग बेटा, आप टेंशन मतलब अपने ऑफिस में बात करो। स्टिल अगर बेटा कुछ बड़ा इशू लगता है बेटा आपको, ओके, तो आप एक काम कीजिए बेटा, मैं आफ्टर में 2 to 5 में, बेटा आफ्टर में 2 to 5 में ऑफिस में रहूंगा। यू कैन डेफिनेटली हैव वर्ड विद मी 2 to 5 में, ओके हर्षिता, टेंशन मत लीजिए। कुछ बड़ा मिसकम्युनिकेशन होगा, कुछ बड़ा मिसकम्युनिकेशन होगा, डोंट वरी बेटा जी हर्षिता, ओके। चलिए चलिए चलिए, चलो हम थोड़ा बेटा पढ़ाई के मुद्दे पे आते हैं। नाले कल मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था आपसे। यस, कल मैंने कुछ सवाल पूछे थे आपसे। कल मैंने पूछा था अबाउट कंसेप्ट ऑफ गुड्स। कल का बड़ा शॉर्ट वर्ड करते, कल मैं दो कंसेप्ट पढ़े हम लोगों ने, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट। मैंने कल बताया था भाई साहब, ओनर जो पैसा इन्वेस्ट करता है, ओनर जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको देखने के दो नजरिए होते हैं। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पैसा बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हैं, ओनर उससे क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट। और बिजनेस उससे क्या बोलता है? कैपिटल। और बिजनेस में दो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ओनर और आउटसाइडर। ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस उसे क्या बोलेगा? कैपिटल। और आउटसाइडर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे बिजनेस क्या बोलता है? बोरिंग। ये हमने कल डिस्कशन किया था, यस और नो, यस और नो, ओके चलिए। अब बच्चों देखिए, अब हम डिस्कस करने वाले गुड्स के ऊपर। मैंने कल कुछ क्वेश्चन आपको दिया था, आपको बोला था भाई साहब इनमें से कौन कौन गुड्स है। चलो फटाफट सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे इनमें से क्या क्या गुड्स है। ये 10 में से, चलो काम करो, क्या गुड्स नहीं है बताओ, क्या गुड्स नहीं है बताओ। अवनी बोल रहे सर फोन कॉल स्टूडेंट्स टीचिंग आर नॉट गुड्स। श्रावणी बोल रहे फोन कॉल स्टूडेंट टीचिंग, ये गुड्स नहीं है, ओके। क्या गुड्स नहीं है मुझे बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गुड्स तो बहुत सारे बेटा। अरे यार फटाफट इतने जबरदस्त मैसेज करो, फटाफट बड़े बड़े मैसेज करो, मेरे को पढ़ने को नहीं आ रहा यार, मेरे को इतने तो मैसेज करो। ओके ओके ओके, मटेरियल प्लास्टिक सीमेंट बिल्डिंग कैलकुलेटर कैमरा मशीन, ये गुड्स है। और बेटा बाकी के गुड्स नहीं है, बाकी गुड्स नहीं है। 367 आर नॉट गुड्स, 367 आर नॉट गुड्स, बाकी सब गुड्स है। स्टूडेंट इज नॉट अ गुड, ओके। अब प्लीज समझना, प्लीज समझना। अब नालायक के काम करते, अब नालायक काम करते, मैं भी थोड़ा सा बेटा आपका गुड्स का देखने का नजरिया चेंज करता हूं। अब अगले आधे घंटे के लिए फुल अटेंशन देना, मैं आपको बहुत कुछ नई नई बातें सिखाऊंगा। बट पहले समझो व्हाट इज गुड्स। देखो यार, अब फोकस, अभी सब आंसर देना बंद करेंगे, फोकस करेंगे गुड्स क्या होता है। देखो यार मुझे बताओ, अगर अजूम करो, मान लो बेटा, मान लो आप दुकान में गए, राइट ना। आज मैंने एफएम के लेक्चर में क्या बोला था बच्चों, आपने, मैंने बोला था बच्चों एफएम के लेक्चर के बाद ना, मैंने एफएम में आज कल से ट्रिक सिखाए थे। कोई बच्चों के पास कैलकुलेटर नहीं था, तो नालायक कहाँ पे गए? दुकान में गए।
नाराज दुकान में गए, दुकानदार भैया को बोला, दुकानदार भैया हमको ना एक कैलकुलेटर खरीदने का है, हमको कैलकुलेटर खरीदने का है, राइट ना। दुकानदार भैया के पास ना 100 कैलसी पड़े हुए, उसके दुकान में ना 100 कैलसी पड़े हुए, 100 कैलसी पड़े हुए उसके बड़े दुकान में, 100 कैलसी पड़े हुए। आपने बोला भाई कैलसी दे, बोलते नहीं दूंगा मैं कैलसी। बोलते क्यों नहीं देगा, बोलते मेरी मर्जी, बोलते मेरी मर्जी। बोलते पागल है क्या, तूने कैलसी का शो पीस कल रखा है तूने कैलसी, ओके ये कैलसी तूने बेचने कल रखा ना। अरे भाई जो जो बेचने कल रखा है, कल कस्टमर है तो बेचना, तू क्यों मना कर रहा है, समझ में आ रहा है क्या। और वही देखो वो जो दुकानदार है ना बेटा, वो दुकानदार ना, वो दुकानदार चेयर पे बैठा है, वो दुकानदार चेयर पे बैठा है, राइट ना। और अब बोलते भाई देख एक काम कर, तो इस कैलसी के साथ ना, इस कैलसी के साथ में तू मुझे चेयर भी दे दे मेरे को। बोलता पागल है क्या तू, अगर तुझे चेयर तो मैं किस बैठूंगा। बोलता मुझे कुछ पता नहीं, दुकान में कैलसी भी दिख रहा है, चेयर भी दिख रहा है, तुझे बेचना पड़ेगा, बस दाम बता, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत अमीर हूं, तेरा कैलसी भी खरीद दूंगा, तेरा चेयर भी खरीद दूंगा, ये तेरा फर्नीचर भी खरीद दूंगा, मैं ये भी लूंगा वो भी दूंगा, और तेरी सारी दुकान लूंगा। रे तूने मुझे कैलसी के लिए मना किया था ना, तेरी सारी दुकान लूंगा। बोलता भाई देख कैलसी लेने के लिए आया था, चुपचाप कैलसी ले निकल जा, ये बाकी चीजें बिकाऊ नहीं है। बोलते क्यों बिकाऊ नहीं है, अरे दुनिया में हर चीज का दाम होता है, तू बस पैसा बोल हम लेते। बोलता भाई बेचने का ना, वो बोलता भाई मेरे को कैलसी बेचने का है, मेरे को चेयर बेचने का नहीं, मैं क्या चेयर बेचने के लिए बैठा हूं क्या। जस्ट वन मिनट, सॉरी बेटा। तो बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही क्या, तो कहने का मतलब क्या है समझना, दुकानदार ने कैलकुलेटर बिजनेस के कोर्स में बेचने के लिए रखा है। तो जो चीजें बिजनेस के कोर्स में बेचने के लिए रखी है, दे आर कॉल्ड एज गुड्स, द थिंग्स विच आर केप्ट फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में जो चीजें बेचने के लिए रखते वो गुड्स होता है। और ऐसी चीजें जो बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में सेल के लिए अवेलेबल नहीं होते, दे आर नॉट गुड्स। क्या दुकानदार ने कैलकुलेटर बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में बेचने का रखा था क्या? हाँ सर जी रखा था। तो कैलकुलेटर कौन है? गुड्स है। यस। अब बेटा जी मुझे बताइए, क्या दुकानदार ने बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में चेयर बेचने का रखा था क्या? ना। तो चेयर उसका गुड्स नहीं है, तो चेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? अरे सर चेयर उसके लिए कौन है? फिक्स एसेट है। समझ में आ रहा है क्या? तो बिजनेस में दो टाइप की चीजें होती है, वन इज कॉल्ड एज गुड्स और सेकंड इज कॉल्ड एज फिक्स एसेट। जो बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में सेल के लिए रखते हैं उन्हें बोलते हैं गुड्स, और जो सेल के लिए अवेलेबल नहीं है दे आर कॉल्ड एज फिक्स एसेट। समझ में आ रहा है क्या नालायक? अब ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना बेटा, मुझे बताओ बेटा, मुझे बताइए, आप ज़ूम करो बेटा, इंस्पायर के ऑफिस में आते हो, बोलते सर मेरे को चीजें खरीदने की, बोलते ठीक है क्या चाहिए, आप बोलते सर ना सर ऑफिस में ना हमको सर वो टेबल दिखा, हमको टेबल चाहिए। बोलते पागल है क्या, टेबल को लेता है क्या, हम टेबल बेचेंगे नहीं, हमें टेबल बेचने का रखा है क्या, नहीं। तो सर क्या, वो बोलता क्या बेचोगे? देख भाई दुकान में जब जाएगा, दुकाना तेरे को कैलसी बेचेगा, दुकाना तेरे को चॉकलेट बेचेगा, या सुनो दुकाना तेरे को पार्ले जी बिस्किट बेचेगा, वैसे हम लोग यहाँ पे टीचिंग के लिए, टीचिंग बेचना नहीं मतलब था क्या, हमारे लेक्चर्स हम लोग बेटा सेल कर रहे, हम हमारा टीचिंग का सर्विस आपको दे रहे। तो समझना, सर्विस पर्सन सर्विस मैन, सेलर और सर्विस मैन दो एंटिटी है, सेलर गुड्स को बेचता है बट सर्विस प्रोवाइडर गुड्स नहीं बेचता है, वो उनकी सर्विस बेचता है। तो क्या नाई से सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस बेच रहा है वो उसके लिए गुड्स है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए सर्विस गुड्स के। अरे इंस्पायर एकेडमी के लिए टेबल गुड्स नहीं है, इंस्पायर एकेडमी के लिए चेयर गुड्स नहीं है, हमारा जो टीचिंग है वो हमारा गुड्स है, हमारा टीचिंग हमारा गुड्स है बेटा, उसे हम बेच रहे हैं। Yes or no? If you are teaching goods, if you are teaching goods, goods मतलब अच्छा बेटा, अगर हम अच्छा पढ़ा रहे तो डेफिनेटली बेटा बच्चे मतलब था क्या, यहाँ पे हमारे लेक्चर लेंगे और डेफिनेटली बच्चे मतलब हमें अच्छा रिकॉग्नाइज करेंगे। Yes or no, बेटा जी? Okay. और मान लो भाई साहब, ओके
और बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा जो कुछ बच्चों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता बेटा देखो यार, राज सर दो डे बूट्स बेचते हैं। राज सर दिन भर ना बता पढ़ाते, दिन भर बेटा पढ़ाते और पढ़ा के वो अपना टीचिंग बच्चों देते, राइट ना, वो उनके लिए गुड्स है। और भाई साहब शाम के टाइम पे पता मैं क्या करता हूं, मैं दरवाजे बना के बेचता हूं। हाँ मैं आपको बताऊंगा जब मैं कस्टमर सेक्शन करूंगा ना तब पता चलेगा आपको मेरा बहुत साइड बिजनेस है, ठीक है ना। और उसमें बताया क्या, मैं उसमें और भी कुछ चीजें बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा आपको, राइट ना। हाँ तो अभी बस इतना ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो जो दरवाजे बना के बेचना बच्चों, हाँ ठीक है ना, वो भी मेरे लिए क्या है, गुड से। बेटा मुझे बताइए अब बताओ इंस्पायर के बेटा ऑफिस में टेबल गुड से क्या नहीं है? आप क्या किए इंस्पायर ऑफिस से, अपने लेक्चर बाय किए, लेक्चर अपने बाय किए बेटा, अपने लेक्चर बाय किए और अभी आपको पढ़ने का है। लेकिन आप पढ़ने के लिए चेरिश ने आपके पास, पढ़ने के लिए चेरिश ने आपके पास और अरे यार लेक्चर फोन अपना लैपटॉप अपना कहां रखेंगे, टेबल भी नहीं आपके पास, कुछ भी नहीं है। तो आप दुकान से बाहर निकले, ओके दुकान मतलब सॉरी ऑफिस के बाहर निकले। ऑफिस से निकलते ही कुछ दूर चलते ही अब जैसे बेटा बाहर निकलते हो ना, आपको बाहर दिखाई देता है एक फर्नीचर का दुकान। क्या दिखाई दे बच्चों, फर्नीचर का दुकान, बाबूलाल फर्नीचर वाले, बाबूलाल फर्नीचर वाले का दुकान दिखता है बेटा। अब बाबूलाल फर्नीचर वाला जो होता है, जो बेटा जी बाबूलाल जो फर्नीचर वाला होता है ओके बेटा, बाबूलाल फर्नीचर वाले के दुकान में जैसे बेटा जाओगे ओके, उसके दुकान में ओके जाओगे, उसके दुकान में ना ऐसे बहुत सारे बेटा चेयर्स बेटा पड़े, उसकी दुकान बहुत सारे चेयर्स पड़ी है। अब बाबूला फर्नीचर वाले को पूछते हो, भैया आप क्या ये चेयर हमको दोगे? बोलता है यस बेटा जी, आपको चेयर बेचने को मैं बैठा हूं इधर, मुझे काम ही क्या है। बोलता हाँ क्या? बोलते बाबूला भैया, बाबू भैया आप बहुत अच्छे हो। बोलते क्यों? अरे ना मैं अभी भी बता क्या, वो ऑफिस में गया था, इंस्पायर ऑफिस में गया था, अरे वहां के मैडम बहुत कमीने, मैंने उनको बोला चेयर दो, चेयर दिया अच्छे नहीं मुझे, और बाबू तुम कितने अच्छे, तुम चेयर बेच रहे हो। बाबू बोलता भाई तू पागल है, तू येड़ा है, वो मैडम कमीने नहीं है, तू येड़ा है। अरे समझ ले उनका बिजनेस टीचिंग है, वो टीचिंग देंगे ना, समझा क्या? मेरा बिजनेस शेयर बेचना, मैं शेयर दूंगा। तो भाई साहब हम ऑर्डिनरी कोर्स में जो चीजें बेचने के लिए बैठे वही बेचेंगे ना, हाँ कि नहीं? तो वही तो हमारे लिए क्या है, गुड़ से। अब समझना, अब मैं आपको जो कल जो मैंने एग्जांपल दिए थे बताओ उसमें से कौन गुड़ से और कौन बेटा जी, कौन बेटा इसमें से फिक्स एसेट है ओके। अब मुझे बताओ मटेरियल, क्या बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में डू यू सेल मटेरियल? हाँ सर जी, प्लास्टिक पेपर ये मटेरियल हम बिजनेस के ऑर्डरिंग कोर्स में बेचते, तो ये हमारे लिए गुड़ से। बिजनेस के ऑर्डरिंग कोर्स में डू यू सेल प्लास्टिक? हाँ सर जी। अरे सर अगर हमारा प्लास्टिक का दुकान है, हम प्लास्टिक बेचेंगे ना सर जी, प्लास्टिक हमारे लिए क्या है, गुड़ से। बिजनेस के ऑर्डरिंग कोर्स में क्या फोन कॉल बेचेंगे? सर फोन कॉल कैसे बेचते हैं मुझे बताओ। आप सब लोग बेटा जी मोबाइल यूज करते हो, एयरटेल रिलायंस यस और नो, आइडिया वोडाफोन इनके बेटा सिम कार्ड होंगे बेटा आपके पास, यस और नो? मुझे बताओ आपने ऐसा है क्या बेटा जी, आपने जब मोबाइल लिया और तुरंत बेटा आपका कॉल शुरू हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, जब आप मोबाइल खरीदते हो तो आपको टेलीफोन कंपनी का सिम कार्ड खरीदना पड़ता है, तो टेलीफोन कंपनी आपको दो चीजें बेचेगी, आपको सिम कार्ड बेचेगी और साथ में आपको रिचार्ज बेचेगी। रिचार्ज मतलब अपने कॉल्स बेचेगी। वो बोलेगे भाई साहब महीने के 400 रुपए देने का और अनलिमिटेड कॉल्स करने का, तो क्या ना ऐसे टेलीफोन कंपनी अपने कॉल्स बेच रही, वो उनके लिए क्या, गुड से। ये बोलो टेलीफोन कंपनी कॉल्स का सर्विस दे रही बोलो या कॉल्स आपका गुड्स बेच रही है, या सोनो बेटा जी ओके। तो अकाउंटिंग की भाषा में ये भी हमारे लिए गुड से, ये भी हमारे लिए क्या है, गुड से। समझ में आ रहा है क्या? यस। तो फोन कॉल भी कौन से, गुड़ से। अब बताओ सीमेंट गुड़ से क्या? हाँ सर जी सीमेंट हम लोग बेचते। क्या हम लोग बिल्डिंग बेचते हैं क्या? अरे मैंने बिल्डिंग को टिक मार क्यों किया? क्या हम बिल्डिंग बेचते हैं क्या? इज बिल्डिंग गुड्स, इज बिल्डिंग गुड्स, हम बिल्डिंग बेचते हैं बेटा जी। बिल्डिंग को स्टार मार्क करते हैं, आप सुनना। आप
अज्यूम करो बेटा, आप सीएस बन गए, सीएस बनने के बाद में आपने एक एक करोड़ का घर लिया, आपने 6 करोड़ का घर लिया, है ना। अब बताओ वो घर आपके लिए क्या है, गुड से या फिक्स एसेट है। घर क्यों लिया, बेचने के लिए या रहने के लिए लिया? रहने के लिए बेटा जी। तो जो घर आपने रहने के लिए लिया वो आपके लिए कौन है, फिक्स एसेट है। बट अगर वो घर आपने किसी बिल्डर से लिया होगा, बिल्डर के लिए बिल्डिंग घर क्या है? अरे बिल्डर ने बिल्डिंग क्यों बनाई थी, रहने के लिए बनाई थी या बेचने के लिए? बेचने के लिए। तो बिल्डर के लिए बिल्डिंग गुड से, तो बिल्डर क्या बोलता है, बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में मैं बिल्डिंग बेचना चाहता हूं, तो बिल्डर बिल्डिंग को रखना नहीं चाहता, बेचना चाहता है। तो बिल्डर के लिए बिल्डिंग क्या है, गुड से, और जो कस्टमर बिल्डिंग ले रहा है उसके लिए वो क्या है, एसेट है, फिक्स एसेट है। इसका मतलब कोई चीज किसी के लिए गुड्स हो सकते हैं और दूसरे के लिए बेटा जी वो फिक्स एसेट भी हो सकती है। यस और नो नालायक। इसका मतलब बच्चा लोग, बिल्डिंग कैन ऑल्सो बी गुड्स। बिल्डिंग भले हमारे लिए क्या है, फिक्स एसेट है, बट बिल्डिंग के लिए, बट बिल्डर के लिए वो कौन है, गुड्स है। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो। स्टूडेंट्स, अब बता स्टूडेंट्स आर दे गुड्स? अब बताओ ऐसी दुनिया में ऐसी चीज बताओ या ऐसी एंटिटी बताओ जो स्टूडेंट को बेचते हैं, जो स्टूडेंट्स को बेचते हैं, स्टूडेंट को खरीदते हैं। बोलो कोई विषय ऐसे मत बोलो, सर हमारे घर वाले हमको बेचते। अबे नालायक, वो आपको पढ़ने के लिए पैसा भर रहे हैं आपका, आपको बेच नहीं रहे, समझा क्या? ओके, कोई बेचता है क्या बेटा आपको? नहीं बेटा, समझा क्या? ओके, तो बेटा जी समझना बेटा जी, स्टूडेंट ये चीज नहीं बिकते। स्टूडेंट एक एंटिटी है, मतलब एंटिटी मतलब अकाउंटिंग एंटिटी नहीं, स्टूडेंट एक बड़ा बड़ा पर्सन है जो भाई कुछ काम कर रहा है। ओके बेटा, तो स्टूडेंट ये हमारा गुड्स नहीं है, स्टूडेंट इज नॉट अ गुड्स, क्योंकि बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में उसको हम नहीं बेच रहे। बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में उसको हम बेच रहे क्या? नहीं बेच रहे। तो किसी भी बिजनेस में स्टूडेंट नहीं बिकता है, तो ये हमारा गुड्स नहीं है। टीचिंग इज इट गुड्स? क्या टीचिंग हम लोग बेचते हैं क्या? हाँ सर जी, टीचिंग को बेचते हम लोग, यस वो हमारा गुड्स है। क्या कैलसी को बेचते? हाँ सर जी, वो हमारा गुड्स है। कैमरा को बेचते? हाँ, दुकान में जाओ कैमरे बिकता है, वो गुड्स है। मशीन बिकता है? यस। देखो मैन्युफैक्चरर के लिए मशीन फिक्स एसेट है, बट जो सेलर मशीन बेच रहा है, जो मशीन का जो भी सेलर है, वो मशीन के सेलर ने मशीन को बेचने के लिए रखा है, तो मशीन उसके लिए क्या है, गुड्स है। यस और नो? तो सारी बातें बेटा गुड्स थी, सिवाय किसके बेटा जी, स्टूडेंट्स के। समझा क्या? तो नालायक, ऑलमोस्ट सब लोगों ने इसे गलत जवाब दिया था, तो कल के 200 रुपए मेरी जेब में। अरे सर्विस तो होगा, सर्विस तो होगा आर्यन, पर आज हम क्या देख रहे, सर्विस भी, सर्विस प्रोवाइडर के लिए सर्विस भी गुड से बेटा, सर्विस प्रोवाइडर के लिए सर्विस भी गुड से। यस यस। और बेटा समझना, सुनो ये मैं अकाउंटिंग के भाषा में बेटा बता रहा हूं, समझा क्या बेटा? जब आप टैक्स पढ़ोगे, टैक्स में जब जीएसटी पढ़ोगे, तो जीएसटी में गुड्स सर्विस इन सबके डेफिनेशन बेटा बदलेंगे, समझा बच्चों? आई एम टॉकिंग फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने का नहीं है। ओके यस 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 बेटा, अभी मेरे पास इतना पूछा था, बिल्डिंग गुड्स है कि नहीं है, अब किसके पॉइंट ऑफ छोड़ दो, बस बिल्डिंग गुड हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, यस। तो बिल्डिंग बड़ा गुड से। समीर नालायक, समीर हवा का झोंका नालायक, गलत था। ठीक है भाई, 200 रुपए आज गए, बाद में ऑफिस मिलेंगे ना, टेंशन लेते हो, बहुत पैसे कमाने का मौका मिलेगा। ओके चलो भाई ठीक है ना, आगे बढ़ते। यस 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 ओके। तो सबको बेटा जी गुड्स क्या होता है, फिर से समझ में आ रहा है बेटा जी? चलो ओके। तो बिजनेस के कोर्स में, बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में जो चीज हम लोग बेचने के लगते हैं, दे आर कॉल्ड एज गुड्स, और जो बेटा जी चीजें हम नहीं बेचते हैं, जिन्हें हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड एज फिक्स एसेट। तो बेसिकली जो बच्चे नॉन कॉमर्स के, आई होप उनको ये सारा बेटा कॉन्सेप्ट और अच्छे से बेटा समझा होगा, नॉन कॉमर्स वालों को। ओके
हर्षिता जी फोन कॉल गुड्स कैसे बेटा, अभी इतनी देर मैंने क्या बताया बेटा, इतनी देर कैसे मैंने बताया बेटा, आधे 15 मिनट से वही बता रहा हूँ। अरे नहीं रे अवनी, ऐसा नहीं बेटा, अवनी ऐसा नहीं है, अरे आगे बहुत सारे मौके मिलेंगे, ऐसा नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। ओके चलो चलो, और मैं गरीब आदमी हूं ना बेटा, ऐसे नहीं करने का, गरीब का मजाक नहीं उड़ाने का। ओके चलो चलो, यस चलो बेटा जी, तो हम कंटिन्यू करते हैं। गुड्स हो गया, कुछ फिक्स एसेट हो गया। चलो एक काम करते हैं, ये गुड्स और एसेट तो समझा समझा क्या, मैं कंसेप्ट को बताता हूं। अब देखो आज का नेक्स्ट, ये आज का पहला कंसेप्ट था, आज का बच्चों सेकंड में कंसेप्ट बता रहा हूं, एक्सपेंस। क्या रे बेटा जी, एक्सपेंस। आप सबने एक्सपेंस खर्चा नाम तो सुना होगा। अब देखिए मैं एक्सपेंस के बारे में क्या क्या बताता हूं, व्हाट इज एक्सपेंस। छोटे एग्जांपल लेते हैं, छोटे एग्जांपल लेते हैं बेटा, मुझे बताइए बेटा, मुझे बताइए, अब ये जो ऑनलाइन क्लास देख रहे हो बेटा जी, यस और नो, ऑनलाइन क्लास देखने के लिए कुछ बच्चे वाईफाई से क्लास देख रहे होंगे, यस और नो, कुछ बच्चे मोबाइल के डेटा से क्लास देख रहे होंगे। अब मान लो 1 तारीख को कल से ऑनलाइन क्लास शुरू होना था, कोई बच्चे घर में डिमांड किया, पापा कल से ऑनलाइन क्लास शुरू हो रहा है, एक अच्छा सा वाईफाई बिठा के लो। वाईफाई नहीं बिठाओगे ना, हम क्लास नहीं देखेंगे, हमारे सर ने बोला है, और एक क्लास के लिए इतना भारी वाईफाई लगता है, कुछ लगता नहीं मुझे पता है, मोबाइल के डेटा से भी क्लास चलता है, समझा क्या, लेकिन तुम घरों के एडे में निकाल दो तुम लोग, समझा क्या, कि नहीं बेटा जी, अपना जो मोबाइल का डेटा है ना उससे भी चलता है सब क्लास। हाँ अगर मेरे घर वाले के सुन रहे तो उनको सुनाओ, ठीक है बेटा, वाईफाई की जरूरत भी नहीं। लेकिन फिर बोलने का, मान लो कोई नालायक बच्चा है, उसने पप्पा को बोल के वाईफाई कनेक्शन बिठा के लिया, आज सुबह सुबह वाईफाई लाया था, मस्त वाईफाई ने क्या किया, आपके पास से 1000 रुपए लिए, और 1000 रुपए लेके मस्त पता क्या 4-5 MBPS का कनेक्शन बिठा के, अरे मस्त, एक बार 4-5 MBPS आ गया, रात को 2 बजे तक इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब चालू फिर तो, ठीक है ना, कुछ रुकने का नाम ही नहीं। ओके आपने कर लिया, 1000 रुपए दिए, आप समझ रहे बेटा, आपने वाईफाई लेको 1000 रुपए दिए, उसे कनेक्शन बिठा लिया। अब होता क्या, शाम के टाइम पे आप शाम जैसे बैठे हो और आपको ऐसा लगता है, आपको सेल्फ रज होता है कि यार ये वाईफाई लेके हमने बहुत बड़ा गलती किया, अब हमने पता क्या पापा मम्मी के पैसे बर्बाद कर दिए, और हमने पता क्या कि यार पता क्या हमारी मतलब पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी इससे, तो क्या किया जाए। आपने वाईफाई भैया को फोन किया, बोला भैया प्लीज एक काम करो ना, ये वाईफाई कनेक्शन आप लेके जाओ, और जो 1000 रुपए दिए थे ना प्लीज वापस कर दो, 1000 रुपए वापस कर दो ना, रिक्वेस्ट से प्लीज प्लीज भैया, प्लीज 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 भैया। वो बोलता है देख भाई पैसा वो दिया ना तूने, वापस नहीं मिलेगा। ओके एक बार पैसा भरा तो भरा, पैसा वापिस नहीं मिलेगा, बात समझ में आ रही क्या, तो क्या वाईफाई वाला भैया पैसा वापिस भरेगा। अगर आपने किसी कंपनी का रिचार्ज करके लिया है, रिचार्ज किया 500 रुपए का रिचार्ज किया, बाद में बोला मुझे 500 रुपए वापिस करो, मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये ऐसा खर्चा है जो कभी वापिस नहीं मिलेगा, तो ऐसे खर्चे जो एक बार इनकर किए वो वापिस नहीं मिलते, कॉल्ड एज एक्सपेंस। तो बिजनेस कोर्स के दौरान ऐसे बहुत सारे खर्चे हम करते रहते पर जिनका पैसा हमें वापिस नहीं मिलता है, दे आर कॉल्ड एज एक्सपेंस। चलिए नालायक मुझे बता सकता है इन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंस, सैलरी ना एक्सपेंस है, रेंट पे करना एक्सपेंस है, यस, रॉ मटेरियल खरीदना एक्सपेंस, ओके तो डायलॉग मार रहे हो, बहुत डायलॉग मार रहे हो, बस देख डायलॉग मारे तुम लोग, मिर्जापुर मारे तुम लोग लोगे चले नालायक, चल नालायक, अभी देख आवाज आ रहा है क्या, क्या चेक करो अभी साउंड क्लियर है क्या, अभी चेक करो नालायक साउंड क्लियर है क्या, अभी चेक कीजिए साउंड क्लियर है क्या, साउंड आ रहा है, ओके साउंड नहीं आ रहा है,
अरे नहीं रे बेटा, थोड़ा सा बैटरी इशू चल रहा है, थोड़ा सा मैं बताता, बाद में बताता आपको। अभी साउंड आ रहा है बेटा जी? अभी साउंड आ रहा है, ठीक है। बस आज का लेक्चर थोड़ा एडजस्ट कर लो कुछ हुआ तो। ओके हाँ, बैटरी भी एक्सपेंस है। ओके बेटा, बैटरी भी एक्सपेंस है, नालायक मेरे एग्जाम्पल मुझे दे रहे हैं। ओके चलो बेटा जी, तो ये सारे बड़े एक्सपेंस है, यस और नो? अब मेरा एक सवाल है आपसे, एक सवाल है। अभी हमने क्या पढ़ा? गुड्स पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा था? फिक्स एसेट पढ़ा। मेरा सवाल है, गुड्स और फिक्स एसेट में से कौन एक्सपेंस है? गुड्स एक्सपेंस है या फिक्स एसेट एक्सपेंस है, या दोनों भी एक्सपेंस है? बोलो कौन एक्सपेंस है? गुड्स एक्सपेंस है, फिक्स एसेट एक्सपेंस है, या दोनों भी एक्सपेंस है? नहीं रे बेटा, मिर्जापुर नहीं देखा मैं देखने का बेटा, मिर्जापुर देखने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। लेकिन यार उसके इतने सब मीम्स आते रहते ना, थोड़ा बहुत डायलॉग तो आधे याद हो जाते, डायलॉग तो आधे याद हो जाते हैं। ओके बच्चे बोल रहे सर गुड्स एक्सपेंस है, फिक्स बेटा एसेट एक्सपेंस है, और कुछ बोल रहे दोनों भी एक्सपेंस है। कुछ बोल रहे गुड्स सिर्फ गुड्स, कुछ बोल रहे फिक्स एसेट, कुछ बोल दोनों भी। अब बेटा मुझे अच्छा, चलो चलो बेटा मुझे बताओ, मान लो बेटा, मान लो बेटा आज मैंने एक बैटरी लाया। बैटरी मेरे लिए क्या है? गुड्स है या एसेट है? गुड्स है। बैटरी को मैं यूज करूंगा शॉर्ट टर्म के लिए, ऐसा बेटा बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में बैटरी मुझे लगता है, तो बैटरी मेरा कौन है? गुड्स है। यस, तो क्या बैटरी खरीदने के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है क्या? हाँ सर जी, बैटरी खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता है, तो बैटरी कौन है आपका? गुड्स है। मान लो बेटा जी आज मैंने अपने बिजनेस के लिए मैंने एक मशीन खरीदा, मैंने एक मशीन खरीदा, क्या मशीन को खरीदने के लिए पैसा देना पड़ा क्या? हाँ सर देना पड़ा। भले मशीन मेरा फिक्स एसेट है, उसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज करूंगा, पर क्या मशीन के लिए मुझे पैसा देना पड़ा क्या? हाँ देना पड़ा। तो जिसके लिए पैसा खर्च करना पड़ा, या फिर बच्चा लोग जिसका पैसा आपको वापिस नहीं मिलेगा, ऑल आर कॉल्ड एज एक्सपेंस। तो इसका मतलब बैटरी मतलब वो गुड्स हो तो वो भी बेटा आपका एक्सपेंस है, और मशीन मतलब फिक्स एसेट हो वो भी आपका एक्सपेंस है। तो गुड्स एंड फिक्स एसेट बोथ आर योर एक्सपेंस, बोथ आर योर एक्सपेंस। समझ में आ रहा है क्या सर? ऐसे कैसे सर? ऐसे कैसे एक्सपेंस है, दोनों कैसे होता है सर? बेटा समझना, दोनों कैसे एक्सपेंस है, अब ध्यान समझना बेटा। उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा एक्सपेंस के टाइप। एक्सपेंस के टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंस बेटा। अभी जो मैं पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ चलना। आगे बेटा अकाउंट के ऑलमोस्ट 5 से लेकर 6 टॉपिक में हर जगह पे ये रेफरेंस आपको लगे बेटा जी, तो ये पार्ट प्लीज बहुत ध्यान सुनना। हो सकता है कि आपने 11th 12th में बेटा, हो सकता है बच्चा लोग 11th 12th में आपने सारा पार्ट पढ़ा होगा, लेकिन उसको हम और थोड़ा सा अच्छे वे से बेटा हम लोग पढ़ने वाले। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, वन इज कॉल्ड एज रिव्यू एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चों एक्सपेंस मतलब एक्सपेंडिचर के दो टाइप होते हैं, वन इज कॉल्ड एज रिव्यू एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो फटाफट बताइए, जिन लोगों को पता है बताए, व्हाट इज रिव्यू एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? रिव्यू क्या आता है और कैपिटल क्या आता है, बोले फटाफट। व्हाट इज रिव्यू एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? सिंपल भाषा में बोलूंगा, सिंपल भाषा में अगर बोलूंगा, ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट मिलेगा विद इन ईयर, ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट 12 महीने के अंदर मिलता है, दे आर कॉल्ड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट मिलेगा 1 साल के बाद, सालों साल मिलेगा, 12 महीने के बाद भी मिलेगा, दे आर कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट 12 महीनों तक मिलेगा या 12 महीनों के अंदर मिलेगा, दे आर कॉल्ड एज रिव्यू एक्सपेंडिचर।
और ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट हमें सालों साल मिलेगा, जिनका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर मिलेगा, दे आर कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस और नो नालायक, सबको समझ में आ रहा है क्या? जिनका बेटा बेनिफिट शॉर्ट टर्म मिलेगा, सर इसका मतलब क्या? एग्जाम्पल दीजिए सर। मान लो बेटा मैं दुकान में गया, मैं दुकान में गया या मेरे बच्चा ठेले पे गया, उसके अलावा भैया मेरे को ना, मेरे को पानी पूरी खाने का मुंह बनाया गया ना, पानी पूरी खाने का, मैंने 20 रुपए दिए और पानी पूरी लिया, 20 रुपए दिए। अब देखो 20 रुपए मैंने भैया को दिए, एक्सपेंस हुआ या सुनो। अब मुझे होता वो पानी पूरी लेके से बैठूंगा क्या? नहीं यार, एक पूरा अभी खाने का, एक पूरी मैं खाऊंगा 3 महीने के बाद, एक पूरी खाऊंगा 6 महीने के बाद, एक पूरी खाऊंगा 2 साल के बाद। पागल हो गए क्या? पानीपुर को उसे खा जाओगे? तो ये ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट मिलेगा तुरंत। पानीपुरी आज खाया और उसका बेनिफिट, उसका आनंद अभी छाया, अभी पानीपुरी खाया उसका आनंद तुरंत मिल गया। हाँ कि नहीं? आनंद मतलब उसका क्या है? बेनिफिट। जिसका बेनिफिट तुरंत मिलेगा, 1 साल के अंदर मिलेगा, वो कौन है? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यस और नो? भाई साहब आप ये जो कैलसी लेते हो, कैलसी लिया, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल है। मान लो मैंने आज 200 रुपए का कैलसी लिया, 6 महीना यूज किया, सॉरी, और कैलसी गिर गया, टूट गया, तो ये क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिसका बेनिफिट मुझे 6 महीने तक मिला, ये मेरा को नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और मान लो इस कैलसी को 200 रुपए में लिया और इसको मैंने 5 साल तक संभाल कर रखा, हर साल इसको यूज किया, इसका यूज किया मोर देन 1 ईयर, तो ये मेरा कौन है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नालायक हंसो मत, नालायक तुम लोग, मैंने कैश पकड़ा, मैंने कैश पकड़ा, ठीक है ना? ये मेरा कौन है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, जिसका बेनिफिट मिलेगा अप टू 1 ईयर वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब चलो एक काम करते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आप फटाफट बताएंगे इज इट रिवेन्यू और इज इट कैपिटल, इज इट रिवेन्यू, इज इट कैपिटल, इज इट रिवेन्यू और इज इट कैपिटल। मुझे बताओ, अगर मैंने आज एक बिल्डिंग लिया, मैंने आज एक बिल्डिंग लिया, तो बिल्डिंग मेरे लिए कौन है? रिवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलो, बिल्डिंग क्यों लिया? बेचने के लिए या रहने के लिए? रहने के लिए बिल्डिंग लिया, बिल्डिंग का यूज करूंगा मोर देन 1 ईयर, इसका बेनिफिट मिलेगा मोर देन 1 ईयर, तो ये मेरे लिए कौन है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यस और नो? अगर मैंने कोई पेन लिया, पेन मेरे लिए क्या है? रिवेन्यू कैपिटल, पेन का बेनिफिट मिलेगा विद इन 1 ईयर, तो पेन मेरे लिए कौन है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यस और नो? इलेक्ट्रिसिटी, घर का लाइट बिल भरा, अरे लाइट बिल 1 महीने का था, आप जो लाइट बिल भरते हो उसका बेनिफिट मिलेगा सिर्फ 1 महीने तक, उसमें मिलेगा सिर्फ 1 महीने तक, ये कौन है? आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। घर में अगर आपने कोई वॉशिंग मशीन लिया, वॉशिंग मशीन का बेनिफिट होगा मोर देन 1 ईयर, तो आपके लिए कौन है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बात समझ में आ रहा क्या? स्पेशली जो बच्चे नॉन कॉमर्स वाले, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो क्या? ओके, एकदम लॉजिकली पढ़ना बेटा जी, एकदम बेसिक से पढ़ना अपने को। मैंने पहले बताया बेटा जी, मैं सारा का सारा आपका बेस परफेक्ट करा के दूंगा, आपका भले साइड स्ट्रीम आपका कॉमर्स हो या नॉन कॉमर्स हो, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। कॉमर्स वालों को भी नया ज्ञान मिलेगा और नॉन कॉमर्स वालों को बेस परफेक्ट होता रहेगा। तो जिनका बेनिफिट मिलेगा, ये मैं क्या बोला, इसका मीनिंग मैंने क्या बताया? बेनिफिट विल बी रिसीव्ड, बेनिफिट विल बी रिसीव्ड विद इन 1 ईयर, और इसके लिए मैंने क्या बोला? बेनिफिट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 12 मंथ्स ऑल्सो। जिसका बेनिफिट 12 महीने के बाद भी मिलेगा वो मेरा कौन है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एकदम आराम से छिल मार के, तो सबको बच्चा लोग रिवेन्यू क्या है? कैपिटल क्लियर है क्या? ओके, अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा, घर का रेंट पे कर रहे हो, रेंट आप पे करोगे 1 महीने के लिए, 1 महीने का रेंट पे किया, 1 महीना घर में रहोगे, 2 महीने का रेंट पे किया, 2 महीना, जिसका बेनिफिट मिलेगा शॉर्ट टर्म में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लाइट बिल पे किया, लाइट बिल का बेनिफिट मिलेगा 1 महीने तक। अगर आपने कोई बैटरी खरीदा, ओके, ये सारे आपको कौन है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट वही बच्चा लोग, अगर आपने कोई बिल्डिंग लिया, बिल्डिंग का बेनिफिट मिलेगा मोर देन 1 ईयर, कोई मशीन लिया बेनिफिट मिलेगा मोर देन 1 ईयर,
एसी लिया, बेनिफिट मिलेगा मोर देन 1 ईयर। ये सारे बेटा जी को ने हमारे टैबलेट छोड़े। मयूरेश कुछ भी नोट डाउन नहीं करने का बेटा जी, बस सुनते जाने का बेटा जी, नोट डाउन करने के लिए मार्ग बताऊंगा बेटा जी। अभी सभी सुनते जाओ बेटा, आराम से सुनते जाओ, कंसेप्ट पे बस पूरा फोकस करो बेटा। ओके ठीक है। अब मुझे बताइए, जो बच्चे कॉमर्स वाले मुझे बताइए, बुक्स ऑफ अकाउंट में, अकाउंट्स में रिव्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे शो करते हैं? Where we show the revenue and capital expenditure? बता बच्चा लोग, revenue expenditure और capital expenditure ये हम कहां पे शो करते हैं? हाँ मैं कैपिटल हूं। ओके थैंक यू सो मच बेटा, बट बेटा मेरा टीचिंग का बेनिफिट आपको बस 1 साल लेना बेटा, 1 साल में अपने को पास होना एग्जीक्यूटिव। नमन मेरे भाई थैंक यू सो मच, नमन थैंक यू सो मच। चल बेटा जी, यस यस बहुत सही बता रहे, बहुत सही बता रहे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन पीएनएल में क्या शो करते? रिव्यून कैपिटल। क्या शो करते बच्चा लोग? रिव्यून कैपिटल। यस वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ऐसा कहा जाता है ऑल रिव्यून्यू एक्सपेंडिचर, ऑल रिव्यून्यू एक्सपेंडिचर आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप नॉन कॉमर्स वाले बच्चे बोलेंगे सर ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, ये मैं आगे बता, बस अभी ध्यान रखना बेटा जी, ऑल रिव्यून्यू एक्सपेंडिचर आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन इन द बैलेंस शीट। रिव्यून्यू हम लोग कहां पे शो करते बेटा जी बताइए? रिव्यून्यू हम लोग कहां पे शो करते? पीएनएल अकाउंट में। जितने भी रिव्यून्यू खर्चे सारे आपको मिलेंगे पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये आपको मिलेंगे बैलेंस शीट में मिलेंगे। यस और नो, कोई तकलीफ इसमें? कोई क्वेरी बच्चा लोग? सबको झेप रहा है? यस। एक बार रिवाइज करते हैं। बोलो भाई साहब, एक्सपेंस का मतलब क्या है? ऐसा खर्चा जो किया वापिस नहीं मिलेगा, एक्सपेंस। एक्सपेंस के टाइप कितने होते? दो, रिवेन्यू और कैपिटल। रिवेन्यू और कैपिटल, ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट मिलेगा विद इन अ ईयर वो कौन है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट मिलेगा 1 साल के बाद भी सालों साल, ये मेरा कौन है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर शो कहां पे करते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर शो कहां पे करते? बैलेंस शीट में शो करते। ओके एकदम चिल मार्के, एकदम चिल मार्के। अब कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था गुड्स और फिक्स एसेट। अब कौन बताएगा मेरे को गुड्स और फिक्स एसेट में से कौन रिवेन्यू है और कौन कैपिटल है? गुड्स और फिक्स एसेट में से कौन रिवेन्यू है और कौन बेटा जी फिक्स एसेट है बताइए? भाई साहब गुड्स इज द रिवेन्यू, क्योंकि गुड्स का बेनिफिट मिलेगा 1 साल तक। गुड्स को रखा क्यों आपने? गुड्स को लिया क्यों था? रखने के लिए या बेचने के लिए? गुड्स को लिया क्यों था? रखने के लिए या बेचने के लिए? अरे गुड्स को हम लोग 1 साल के अंदर बेच भी देंगे, उसका बेनिफिट मिलेगा विद इन 1 ईयर। जिसका बेनिफिट मिलेगा विद इन 1 ईयर तो गुड्स आर रिवेन्यू, गुड्स आर रिवेन्यू। बट फिक्स एसेट को क्यों लिया है? बेचने के लिए या रखने के लिए? रखने के लिए। बिल्डिंग क्यों लिया है? रखने के लिए। मशीन क्यों लिया है? रखने के लिए। इसका बेनिफिट मिलेगा मोर देन 1 ईयर तो दे आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऑल गुड्स आर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वेयर एज ऑल फिक्स एसेट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके 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 इतना समझा? यस यस यस। आगे बढ़ चलेगा। कैन आई मूव टू नेक्स्ट कंसेप्ट? कैन आई गो टू नेक्स्ट कंसेप्ट? यस। अब बच्चे देखो, इसी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या थोड़ा सा गुड्स के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते। मैंने अभी बताया गुड्स को हम बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में बेचते। ओके गुड्स को ऑर्डिनरी कोर्स में बेचते। एक दुकानदार है बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में कैल्सी बेचता है, तो कैल्सी बेटा उसके लिए क्या है? कैल्सी बेटा उसके लिए क्या है? गुड्स है।
कैल्सियम उसके लिए क्या, गुड़ से। पर मुझे बताओ दुकानदार के पास कैल्सी क्या हवा में आता है क्या, कैसे लेता होगा? तो जब गुड्स की जब बात करेंगे, जब बड़ा गुड्स की बात करेंगे, गुड्स के लिए दो कंसेप्ट होते हैं, एवरी सेलर और एवरी ट्रेडर बाइस गुड्स फ्रॉम समवेयर एंड सेल्स इट टू द कस्टमर। समझना, एवरी ट्रेडर बाइस द गुड्स एंड सेल्स द गुड्स एंड अर्न्स प्रॉफिट। तो गुड्स के बारे में दो कंसेप्ट है, परचेस और सेल। हर ट्रेडर, हर दुकानदार गुड्स को परचेस करता है, गुड्स को खरीदता है और बाद में बेचता है। अब ध्यान सुनना, एक दुकानदार है, उसने ना इस साल 1000 गुड्स परचेस किए थे। एक दुकानदार है, उसने इस साल 1000 गुड्स परचेस किए थे। उसने 1000 में से 800 गुड्स बेचे, 1000 गुड़ परचेस किए थे और 800 गुड्स बेचे। कितने लिए थे बेटा जी? 1000। कितने बेचे? 800 बेचे। कितने बचे? कितने बचे? 200। अब जो माल बचा हुआ है, अब 200 गुड़ बेचा है या नहीं बेचा है? जो माल आपने नहीं बेचा है, जो बेचने का बाकी, दैट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हो? चलो क्लोजिंग स्टॉक। तो इसके लिए तीन कंसेप्ट। हर बिजनेसमैन गुड्स परचेस करता है, उसको बेचता है, और जो गुड्स को बेच नहीं पाता है, तो उसके पास बचता है, ही कॉल इट एज अ क्लोजिंग स्टॉक। यहां पे इस बंदे ने 1000 गुड्स खरीदे थे, 800 उसने बेचे और 200 का माल बचा है। जो माल बचता है को वो बोलता है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। जो माल बचा है उसे स्टॉक बोलते हैं। क्या ना इसे, अरे यार सॉरी सॉरी, अभी चेक करो, अभी चेक करो, अभी चेक करो, अभी चेक करो नालायक, अभी चेक करो नालायक। नहीं यार आवाज आया, आया डन आई आवाज। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे बेटा क्या बोलूँ, क्या एक्चुअली में क्या होता है कि जो बैटरी का थोड़ा सा लॉट आया ना, ओके थोड़ा सा बेटा डिफेक्टिव बैटरीज है शायद से, क्या पता मतलब शायद से ओल्ड बैटरीज होंगे बेटा, पर ओल्ड बैटरी होंगे दोनों बेटा जी। अभी ये बॉक्स में रिप्लेस करो, अभी बॉक्स रिप्लेस करता हूँ, बस इसलिए बोला कि अभी के लेक्चर के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ओके चलो चलो चलो, ओके सॉरी 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 सॉरी। तुम नालायक मजे ले रहे हो, तुम नालायक मजे ले रहे हो। चलो बेटा मैं, मुझे पढ़ान दो, मुझे पढ़ान दो। ओके बच्चों मैं को क्या बता रहा था सुनो, गुड्स के बारे में बच्चों ने 3 महीने कन से बताया। गुड्स को बेटा हम लोग परचेस करते, गुड्स को बेटा जब हम लोग सेल करते, और उसके बाद में जो माल बेटा बचता है वो हमारा कौन है? क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, वो हमारा कौन है? क्लोजिंग स्टॉक है। मेरा बेटा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे एक सवाल है। मैंने क्या बोला? ये कुछ घटनाएं घट रही है, यहां पे कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा जी? ट्रांजैक्शन हो रहा है। बच्चों मैंने वर्ड मैंने यूज किया क्या बेटा जी? ट्रांजैक्शन। ओके मैंने बच्चों क्या बोला? देर इज सम ट्रांजैक्शन।
बेटा मुझे बताइए, बेटा मुझे बताइए, ये तीन में से ट्रांजैक्शन को ने अकाउंटिंग में या बिजनेस में हम किसे ट्रांजैक्शन कहेंगे, परचेस, सेल, क्लोज, कौन ट्रांजैक्शन है कौन नहीं है, मतलब तीनों भी है, कोई तो दो है कोई तो एक है, विच ऑफ दिस इज ट्रांजैक्शन, इनमें से कौन ट्रांजैक्शन है, नालायक बात, इनमें से कौन ट्रांजैक्शन है बताइए, विच ऑफ दिस इज ट्रांजैक्शन, इनमें से कौन ट्रांजैक्शन है। और भाई साहब इस पे क्वेश्चन आता है बट एग्जाम में, याद रखना ट्रांजैक्शन को, इस पे एग्जाम में एमसीक्यू आता है। ओके बच्चे बोल रहे तीनों में ट्रांजैक्शन है, कुछ लोग बोल रहे सर सेल एंड परचेस आर ट्रांजैक्शन, कुछ लोग बोल रहे सिर्फ सेल इज अ ट्रांजैक्शन। ओके तो बेटा जी अलग अलग बेटा ओपिनियन है, बेटा अलग अलग ओपिनियन, अब सुनना प्लीज समझना, व्हाट इज ट्रांजैक्शन व्हाट इज अदर थिंग, मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा, वो ऑफ द सी चीज क्या है, सुनना बेटा प्लीज। मान लो मैं दुकानदार हूं, मान लो मैं दुकानदार हूं, मैं दुकानदार हूं बेटा, मैंने मैन्युफैक्चरर 1000 कैलसी परचेज, मैंने मैन्युफैक्चरर से 1000 कैलसी परचेज की, कुछ घटना घट रही है। हाँ सर जी, सर आप परचेज कर रहे, सर घटना घट रही है, सर ट्रांजेक्शन हो रहा है, कैलसी परचेज करना एक ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन में क्या होता है, जो दो पार्टी होता है, जो इस दो पार्टी के बीच होता, That is called transaction. जी, ये जब कैलसी 1000 परचेज की ट्रांजेक्शन है, उसमें से एक कैलसी मैंने को बेचा, एक कैलसी मैंने उसको बेचा, एक मैंने इसको बेचा, ऐसे बच यार बैटरी 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 बहुत तकलीफ है, मैं बहुत तकलीफ, जस्ट टू मिनट हेलो हेलो हेलो, पर आवाज़ आ रही है, चेक करो आवाज़ आ रही है, चेक करो यार आवाज़ आ रही है, चेक करो, रियली सॉरी, थोड़ा सा बैटरी का बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा है, अभी चेक करो, अभी चेक करो आ रही आवाज़, अभी चेक करो। और सुनना बेटा अभी सुनो, अभी प्लीज सुनो, अभी सुन, रिक्वेस्ट है बेटा सुनो, अगर बाई चांस, सुनो बेटा अभी बता के रख रहा हूँ, अब बच्चे देखो, अगर बाई चांस
अगर अभी आवाज चला गया, बेटा सुनो बेटा, अभी बेटा आवाज चला गया ना, मैं लेक्चर तुरंत बंद कर, लेक्चर बेटा बंद करूंगा, लेक्चर में कल कंटिन्यू करें, पहले बता रहा बेटा जी मैं, मतलब एक बार आवाज चला गया तो वापस कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर देखो बच्चों अभी बेटा, अगर बेटा आवाज चला गया, अभी बेटा आवाज चला गया तो डायरेक्ट लेक्चर में कल करूंगा लूंगा, चलेगा ना यार? तो अभी जब तक जान में पढ़ाता हूँ, जान मतलब बैटरी में, जब तक जान तक पढ़ाऊंगा, चलेगा? ठीक है चलो, यस। तो लेक्चर बेटा अगर इसके बाद में बंद कर दिया तो टेंशन मत लेना, बुरा मन मानना। और हाँ सुना बेटा, व्हाट्सएप बेटा ग्रुप का जो लिंक है बेटा जी, अभी का वीडियो एंड होने के बाद में 5 मिनट के अंदर कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बेटा आ जाएगा, व्हाट्सएप लिंक आ जाएगा बेटा, कमेंट बॉक्स में आ जाएगा, वीडियो एंड होने को 5 मिनट के बाद आ जाएगा बेटा, ठीक है? चलो बेटा जी, अब बच्चे पहले कंसेप्ट खत्म करते, लेट मी फिनिश द कंसेप्ट, ओके कर ले फिनिश कंसेप्ट। और नालायक बाकी बैटरी का पार्ट बेटा छोड़ दो, बैटरी बेटा पार्ट छोड़ दो, अगर लेक्चर में मजा आ रहा होगा लाइक तो बनता है, लाइक तो बेटा बनता है, मजा आ रहा होगा लाइक बनता है, बनता है, ओके बेटा जी, यस यस यस। चलो तो बैटरी बंद होने से पहले पहले बोल दिया, बैटरी बंद होने से पहले पहले बोल दिया, ठीक है चलो। तो हम कहाँ पे थे नालायक, हम कहाँ पे थे, ट्रांजिशन के ऊपर थे बेटा जी, मैं आपको ये बता रहा था। हाँ यस यस, हर्षल मैं वापस बता रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ कंसेप्ट, वापस बता रहा हूँ। देखो मान लो बेटा जी, मैंने अगर किसी होल सेलर बेटा, मान लो मैंने किसी बेटा मैन्युफैक्चरर के पास, बेटा मान लो बेटा जी मैंने किसी मैन्युफैक्चरर के पास से 1000 कलसी मैंने बाई की, 1000 कलसी मैंने परचेस की, यस। जब एक कलसी परचेस कर रहा, कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है क्या, कुछ घटना हो रही है क्या, यस। जो चीज 2 पर्सन के बीच में हो रहा है, जो चीज 2 पर्सन के बीच में हो रहा है, ये मेरा ट्रांजैक्शन है, ओके। ट्रांजैक्शन होता है 2 पर्सन के बीच में बेसिकली। तो कैलसी परचेस करते वक्त एक बंदा बेच रहा है, एक बंदा खरीद रहा है, कुछ घटनाएं हो रही है, कुछ हलचल हो रही है, ये मेरा ट्रांजैक्शन है। तो परचेस का ट्रांजैक्शन है, मान लो 1 कैलसी मेरे पास आ गए, 1 कैलसी मैंने इसको बेचा, 1 कैलसी मैंने उसको बेचा, 1 कैलसी मैंने इसको बेचा, ऐसे मैंने 800 कैलसी बेची। तो बेटा जी मुझे बताओ, कैलसी बेचने के लिए कुछ घटनाएं घट रही क्या? हाँ सर जी, सेल के टाइम पे, सर जी सेल के टाइम पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक आप इसको दे रहे हो, एक आप उसको दे रहे हो, एक आप इसको दे रहे हो। यहां पे ट्रेडर और कस्टमर के बीच में, यहां पे ट्रेडर और कस्टमर के बीच में कुछ घटनाएं, कुछ हलचल हो रही है, सॉरी कल पढ़ते छोड़ दो, ठीक है कोई दिक्कत, कल देख लेंगे, ठीक है चलो चलो। रिकॉर्ड के लिए, रिकॉर्ड के लिए बेटा कल एक अच्छा बेटा जी, कल छोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा, यस कल अच्छा पढ़ा, तो एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ और मैं कर दूंगा, ठीक है चलो चलो चलो, तुम मत लो लेक्चर।